भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश ने आज नजफगढ़ अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों को फसल खरीद में आ रही दिक्कतों को जाना, किसानों से मुलाकात की। साथ ही नजफगढ़ अनाज मंडी के चेयरमैन से मुलाकात कर एफसीआई द्वारा अभी तक किसानों की फसल की खरीद ना कर पाने के कारण को जाना और साथ ही नजफगढ़ के एसडीएम को फोन कर नजफगढ़ कापासेडा डीसी के संज्ञान में यह मामला लाया गया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर, महासचिव दलजीत सिंह डागर, अनूप नंबरदार रणबीर समेत तमाम जो पदाधिकारी थे वो नजफगढ़ अनाज मंडी पहुंचे और उन्होंने किसानों की शिकायतों पर गौर करते हुए नजफगढ़ अनाज मंडी का दौरा करते हुए किसानों से रूबरू हुए। आपको बता दें कि सरसों और गेहूँ की फसल जो मंडी में आना शुरू हो गई है, हालांकि बारिश ने इस बार किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन जो बची कुची फसल लेकर के किसान अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं उस पर भी ये दावा किया जा रहा है कि किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और इसी को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने आज तमाम जो व्यापारी थे, जो नजफगढ़ अनाज मंडी के चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे, उनसे मुलाकात की है और एफसीआई को उन्होंने जाना है कि क्या कारण रहे कि एफसीआई अभी तक नजफगढ़ अनाज मंडी में खरीद के लिए नहीं पहुंची है। हमारी अनाज मंडी जो दिल्ली की है, अनाज मंडी नजफगढ़ और नरेला नजफगढ़ में हम खड़े हुए हैं, जो लगातार ये भारत सरकार जो रुके मारने का काम करती है, वोट बटोरने का काम करती है, जो समर्थन मूल्य तय है उस पर सरसों है 5450 रुपये, लेकिन आप देख रहे हो जो हमारी मंडी है नजफगढ़ मंडी है इसमें 4500, 4700, 4200, 4300, 4300 रुपये तक की सरसों बिकने लग रही है। किसान को 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल नुकसान होने जा रहा है। तो हम ये बताना चाहोगे जो गेहूं का है, गेहूं का जो समर्थन मूल्य उससे नीचे गेहूँ, जब भी हमने किसान यूनियन ने एक दिन पहले सेक्रेटरी साहब नजफगढ़ को, एसडीएम साहब नजफगढ़ को और मायापुरी हेड ऑफिस में एफसीआई को हमने गुहार लगाई थी कि 1 अप्रैल से एफसीआई खरीद करे ताकि किसानों को उसका समर्थन मूल्य उसका लाभ मिले, लेकिन आप देख रहे हो 3 तारीख आज 3 मार्च है, 3 मार्च को भी अभी तक कुछ 3 अप्रैल आज होली, लेकिन आज तक कुछ नहीं पहुंचा है। जो सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब सिविले जी आगे से आदेश दिया है, मायापुरी फोन करते जी आगे से आगे, वो आगा कहाँ है भाई, किसान को समझ नहीं पाए हम आगा कहाँ है, कौन आदेश करे है, लेकिन हम तो दुखी हैं। नजफगढ़ अनाज मंडी खड़े हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को कि भाई केंद्र सरकार को कि नजफगढ़ अनाज मंडी में मिनी हकीकत दिखाना चाहेंगे कि भारत सरकार ने पूरा जो समर्थन मूल्य है वो 5450 का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे खरीद हमारे किसान साथियों ने जाके बताया कि 4400-4500 से ऊपर नहीं होगा। तो हम यहाँ आज अपनी एपीएमसी मंडी के अंदर आए और चेयरमैन साहब से मुलाकात करी, उनका पक्ष जाने, उन्होंने भी अपनी तरफ से 2 या 3 लेटर एफसीआई को लिखे हुए हैं, जबकि भारतीय किसान यूनियन तो 1 महीने पहले ही वहां पर जाकर लेटर देके आई थी, लेकिन वहां से आज की तारीख तक यहां पे कोई खरीदार नहीं बैठा है, एफसीआई का कोई काउंटर नहीं लगाया गया है। तो ये जमीनी हकीकत ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कहना चाहिए था मार्च के महीने के अंदर ही, लेकिन आज 3 अप्रैल होगी है, यहाँ पे कोई भी एफसीआई का काउंटर या अधिकारी किसी प्रकार की सुविधा देने नहीं आया है। तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई खरीदारी नहीं की जाती है, यहाँ पर केंद्र सरकार की जो एजेंसी है एफसीआई वही खरीद करती है, लेकिन जब एफसीआई को केंद्र सरकार भेजेगी ही नहीं तो कुदरत ने मार दिया। दूसरी तरफ थोड़ा बहुत जो अनाज हम किसी तरह से बचा के मंडी तक लेके आए थे तो यहाँ हमें व्यापारियों ने मार दिया। कब से ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर ने मार्केट कमेटी के प्रधान राजेंद्र प्रसाद बिंदल से मुलाकात की, साथ ही 3 अप्रैल तक नजफगढ़ अनाज मंडी में एफसीआई द्वारा खरीद ना करने को लेकर और अभी तक एफसीआई के किसी भी अधिकारी का नजफगढ़ अनाज मंडी में ना पहुंचने को लेकर के भी चर्चाएं की। नजफगढ़ अनाज मंडी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद बिंदल ने बताया कि उनकी तरफ से पहले ही एफसीआई को सूचित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक एफसीआई की ओर से कोई भी अधिकारी या कोई भी रिमाइंडर लेटर उनके पास नहीं पहुंचा है। राजेंद्र प्रसाद बिंदल ने दिल्ली किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 3 मार्च को एक लेटर एफसीआई के नाम लिखा, उसके बाद उन्होंने 31 मार्च को फिर से एक लेटर नजफगढ़ में एफसीआई की खरीद ना होने और किसी अधिकारी के ना पहुँचने पर पत्र लिखा। तो फसल का नुकसान है ये, पर उन्होंने जो बरसात कर दी थी उसी का प्रकोप है ये,
और हम तो चाहते हैं कि किसान हमारे पास आए, कोई भी समस्या उनकी हो तो उनको हम दूर करने के लिए, समस्या लाने से पहले हम इनकी जो समस्या दूर करना चाहते हैं। हमारी बात हुई जी अनाज मंडी में, जो गेहूँ की हर साल FCI के द्वारा खरीद होती थी, वो अभी तक उसके बारे में कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगाया गया है, कोई लोगों को नोटिस नहीं दिया गया है। हमने उनको समझा दिया और बोल दिया कि हमारे पास जल्दी से जल्दी नष्ट होने वाला है। हमारे यहाँ बिक्री तो 12 महीने रहती है, गेहूँ की भी सरसों की भी, और ये सरकार का जो FCI का रेट है, गवर्नमेंट का रेट है, समर्थन मूल्य है, हमारे यहाँ तो मतलब उससे ऊपर ही भाव बिकता है। सर, जब खरीद बिक्री शुरू हो गई है उसके बाद भी FCI के मेंबर नहीं है, तो क्या ये समझा नहीं जाए कि ये लापरवाही है? देखिए जी, क्या ये भी समझा जाए कि तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ये तो उन्हीं का ध्यान होना चाहिए, FCI वालों का भी, किसानों को सुविधा के अनुसार हमारे स्टाफ वहाँ पहुँचे और अपना माल परचेज करें। मूल्य पर इसलिए नहीं हो रहा जी, हमारे यहाँ पर जो एफर्ट तो लेती नहीं है। अब हरियाणा में, पंजाब में और कहीं भी जो है एजेंसियाँ लेती है, FCI तो माल लेती नहीं है, और यह मैं पर ये एजेंसियाँ यहाँ पर कोई लागू की भी नहीं है सरकार जिनकी जिम्मेदारी की जाए। कौन बिल्कुल सही है, लेकिन समर्थन मूल्य पर हमारे को तो ऑर्डर देंगे तो हम तो उनकी सुविधा दिलवाने वाले हैं, हम तो सुविधा दिलवा देंगे। तो क्यों नहीं कहते का मैटर है,